आज का हमारा लेसन है फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स. बर्नार्ड रसेल इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द 20th सेंचुरी. ही हैज लेड न्यू डायमेंशंस इन हिज फील्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड मॉरल फिलोसफी. ही डिवोटेड वर्क्स कंपेल्ड द ग्रेट फिलोसोफर टू से दैट Russel has disproved the common belief that a new philosopher can only make innovations in system building, and that the world's greatest philosopher is all embodiment in the work of the past. इसको दांत कर लेते हैं. अच्छा, बुक बर्नार्ड रसेल जो है वो क्या कहता है. वैसे तो वैसे वो बहुत ग्रेट फिलोसोफर था 20th सेंचुरी का, और उसने न्यू डायमेंशंस लिखे ले डाउन की थी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड मॉरल फिलोसफी. और उसका जो डिवोटेड वर्क है वो उसको कंपेल करता है एज अ ग्रेट फिलोसोफर टू सी दैट कि रसेल ने डिसप्रूव किया उस कॉमन बिलीव को दैट अ न्यू फिलोसोफर कैन ओनली मेक इनोवेशन इन सिस्टम बिल्डिंग. एक न्यू फिलोसोफर जो है, पहले कहते थे ना फिलोसोफर जो है वो खाली कोई पागल किस्म का इंसान होता है, ख्याली दुनिया में रहता है. उसने कहा नहीं, रसेल ने कहा कि वो तो न्यू इनोवेशंस भी सिस्टम में बिल्ड कर सकता है, एंड दैट द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इज ऑल एम्बॉडीमेंट इन द वर्क ऑफ द पास्ट. और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जो है वो कौन होता है जो कि तमाम वो एम्बॉडी करता है इन द वर्क ऑफ पास्ट के अंदर. वो तमाम मतलब पास्ट परस्पेक्टिव को लेके वो न्यू इन्वेंशंस करता है, ठीक है. वो पास्ट वर्क्स को लेके और न्यू इनोवेशंस करता है. ही वाज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड पैसिफिस्ट एंड ऑल हिज कंसर्न वाज टुवर्ड ह्यूमैनिटी एंड इट्स सिक्योर्ड फ्यूचर. थस ही डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. बट फर्स्ट ही थ्रोज लाइट ऑन द वर्ल्ड फिलोसफी इटसेल्फ ऑन इट्स मीनिंग्स एंड फंक्शन. लेकिन वो थ्रो करता है लाइट ऑन द वर्ल्ड फिलोसफी, उसके मीनिंग्स पे और उसके फंक्शन पे. फिलोसफी के बारे में देखते हैं कि रसेल क्या कहते हैं. रसेल के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि रसेल एज अ फिलोसफर, वो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटरप्रिटेशन फिलोसफी इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज एज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड. मॉडर्न इंटरप्रिटेशन फिलोसफी के बारे में क्या कहती है कि ये परस्यूट ऑफ नॉलेज है और एन एटीट्यूड ऑफ माइंड है. Now some modern philosophers separate philosophy from ethics and consider it is as objective as science. कुछ लोगों ने, कुछ modern philosophers ने philosophy को separate कर दिया है ethics से और उसको कहा कि ये शायद कोई एक objective है जिसे हम science कहते हैं. Russel is in the favor of the objectivity of the philosophy, but the pacifist Russel believes that it should also hold ethical principles for the betterment of mankind. वो philosophy को as an object या उसको as a science accept करता है, लेकिन अगर उसको as a pacifist, यानी कि pacifist किसे कहते हैं, ऐसा इंसान जो कि इंसानों से मोहब्बत करता है, तो अगर उसको pacifist Russel देखा जाए तो pacifist Russel क्या believe करता है. वो कहते हैं कि फिलोसफी एथिकल प्रिंसिपल्स को भी होल्ड करती है जो कि बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड पे. वेयर एज इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द सिंगुलर फंक्शन ऑफ फिलोसफी टू सिंथेसिस द नेचर ऑफ यूनिवर्स विद द मैन्स प्लेस इन इट. वो कहता है जबकि हिस्टोरिकल टाइम में ये जो सिंगुलर फंक्शन था फिलोसफी का वो क्या था कि वो सिंथेसाइज करती थी नेचर ऑफ यूनिवर्स को. इसको सिंथेसाइज कर अपनी बुक्स में देखिएगा सिंथेसाइज्ड है या अगर नहीं है तो इसको सिंथेसाइज करें. सिंथेसाइज द नेचर ऑफ यूनिवर्स विद द मैन्स प्लेस इन इट बाय गिविंग सम एथिकल कोड्स. रसेल डिफाइंस फिलोसफी. इन एशियन टाइम इट वाज सपोज दैट एथिक्स इज समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पुराने वक्तों में ये समझा जाता था कि ये जो एथिक्स है ना ये शायद पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं. देयरफॉर मेनी ग्रीक फिलोसोफर सपोर्टेड पॉलिटिक्स बाय देयर फिलोसॉफिकल थ्योरीज. तो उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपनी फिलोसॉफिकल थ्योरी से सपोर्ट करना शुरू कर दिया. एज इट इज सेड पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सम फिलोसोफर टू सपोर्ट द आइडियाज. पॉलिटिशियंस हमेशा इन सर्च में होते हैं कि वो फिलोसोफर ढूंढते हैं टू सपोर्ट आइडियाज. ऑन ब्रॉड स्केल देयर आर थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ फिलोसफी स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लोरियस ग्रीक्स. द वेरी फर्स्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द पीरियड ऑफ स्केप्टिसिज्म. अगर ब्रॉड स्केल पे देखा जाए तो तीन मेजर डिविजन है फिलोसफी की. अगर हम अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोरियस ग्रीक से,
the very step group constitute the period of skepticism. जो शुरू का एक period था वो एक skepticism का period था. One great contributor to this portion was the ancient Greek philosopher Protagoras, who laid the foundation of skepticism. जिसने ये skepticism की foundation रखी थी. According to him, truth and morals are subjective realities. उसके ख्याल से ये जो truth और morals हैं वो subjective realities होती हैं. Subjective कहते हैं जो आपकी highly personal realities होती हैं, जो आपकी अपनी जात से relate करती हैं. वो कहते हैं ये truth और morals जो होते हैं ना ये आपकी यानी कि personal realities हैं. He said, man is the mayor of all things. और इंसान जो है वो तमाम मतलब उसके अंदर हर चीज होती है, यानी कि बुराई भी है और अच्छाई भी है. लेकिन अगर वो मॉरल्स अडॉप्ट करता है या ट्रुथ अडॉप्ट करता है तो वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी है. जैसे हम आजकल कह देते हैं कि ठीक है जी नमाज पढ़े ना पढ़े ये हर किसी का पर्सनल मसला है. ठीक है मेरा बच्चा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता तो जी ये उसका पर्सनल मसला है. मैंने उसको सिखा दिया, मैं जी अब उससे बरी हो गई हूँ. मैंने उसको बता दिया जी बेटा पांच वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ता है उसकी मर्जी, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े. ये आज का कॉन्सेप्ट है ना. तो हम क्या कहते हैं कि जी ये जितनी भी मोरालिटी है ना ये इसका अपना सेल्फ बेस्ड वो है. यानी कि ना तो टीचर्स का इसमें कोई अमल दखल होना चाहिए, ना किसी और का, ना हमें कोई मेहनत करनी चाहिए. जैसे हम ABC पढ़ाने के लिए बार बार बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं, ALE पढ़ाने के लिए बच्चे को पता नहीं कितनी दफा ALE रिपीट किया जाता है. साउंड्स प्रोनाउंस करने के लिए पता नहीं कितनी दफा रिपीटेशन होती है साउंड्स की. लेकिन जहाँ पे मोरालिटी की बात आती है, जहाँ पे बच्चे को सही चीज सिखाने, जी एक ही दफा बता दी बस काफी है कि नहीं है, तो फिर तो हम भी तो स्केप्टिकल हो गए ना, हुए कि नहीं हुए. ठीक है कारी साहब आए सिर्फ 15 मिनट में पढ़ा के चले जाए और बच्चा इंग्लिश सीखने पर जाए तो जी पूरा 45 मिनट भी जी कम पड़ जाते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है जी. So he challenges the validity to truth as doubt is an abstract belief. So उसने इस validity को validity to truth जो है उसने challenge कर दिया था कि ये उसको ये शक था ये कोई abstract belief है. And the views of Protagoras were based on reason. और views of Protagoras जो थे वो based करते थे reasons पे, logic पे. बेटा जब भी हम reasons और logic की दुनिया में रहना शुरू करते हैं तो हमारा faith चला जाता. ईमान रीजन और लॉजिक्स नहीं मानता. ईमान आपको ये नहीं पूछता कि मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ. ईमान ये कहता है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर रहा हूँ. लॉजिक और रीजन नहीं मानता. साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं मांगता कि ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में आती है और हमारा ये फायदा हो जाता है वो फायदा हो जाता. हम नमाज सजदा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे अल्लाह के सामने हमारा सजदा जो है वो हमें अल्लाह के करीब कर देता है, अल्लाह का हुक्म कर देते हैं. ठीक है तो वहाँ पे लॉजिक और रीजंस नहीं चलती वहाँ पे साइंटिफिक. ये तो बाद की बात है ना, साइंटिफिक रिसर्चेस आ गई कि जी वुजू है नमाज है, ये तो वो लॉजिकल चीजें आ गई ना. लेकिन द थिंग इज दैट फेथ, जब रीजन आती है इंसान की दुनिया में फेथ चला जाता है. ठीक है अगर मैं इसलिए नमाज पढ़ी हूँ कि दिमाग अच्छा काम करेगा फिर उस नमाज का फायदा नहीं. ऑल्दो करता है, बहुत अच्छा काम करता है लंबे सजदों से, लेकिन द थिंग इज दैट मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट जो अल्लाह के सामने हाजिरी की थी वो तो फिर खत्म हो गई ना. एंड ही एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एज अ ट्रेडिशन. अब उसने क्या किया, उसने कहा ये जो है ना और उसने एक्सेप्ट कर दिया प्रेजेंस ऑफ गॉड आर ट्रेडिशन फॉर समथिंग टू बी वर्शिप. हम हज क्यों करने जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं कि जी अब इतनी उम्र हो गई सब ने हज कर लिया मैंने भी कर. ट्रेडिशनल वे में हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन है. ठीक है हमने इबादत को ट्रेडिशन बना लिया. हम किसी मिलाद पे जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं जहां पे कोई रिलीजियस दर्स हो रहा हो तो हम पूरे अबाया में होते हैं. क्यों, ट्रेडिशन है. दिल नहीं मान रहा अबाया पहनने को, दिल नहीं मान रहा कवर करने को, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशन है इसलिए कर रहे. बास बच्चियां वो इसलिए कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में कवर होके आती हैं क्योंकि पीछे से उनके अम्मी अब्बू ने कहा होता है कि जी तुमने पहन के जाना. सो दे वर फॉलोइंग द ट्रेडिशंस, उनका अपना दिल नहीं मान रहा. ठीक है तो हम अक्सर जैसे मैंने अभी बात की ना, तो हम इबादत क्यों कर रहे होते हैं, ट्रेडिशन के तौर कि अच्छा जी ठीक है रमजान के रोजे आ गए उसमें तो पूरे 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है क्योंकि ट्रेडिशन है, लेकिन उसके बाद एकदम से छूट जाती है.
क्योंकि हमने ट्रेडिशन फॉलो की, हम उसके एसेंस तक पहुंचे ही नहीं। वो 30 दिन तो जनाब आप हम लोगों को अल्लाह ने इसलिए दिए कि 30 दिन बहुत होते हैं किसी इंसान की हैबिट डेवलप करने के लिए। तो वो 30 दिन में जो हमारी हैबिट डेवलप हुई थी वो तो हमने ट्रेडिशनल तौर पे की थी। अब अगले साल ही कुरान खोलेंगे और अगले साल ही 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे। तो एक्चुअली वो रमजान आता है हमारी हैबिट डेवलप करने के लिए। हम उसको एज अ ट्रेडिशन लेते हैं कि जी समोसे और पकौड़े खाने ट्रेडिशन है ना। तो हम वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है, हम उसके बेसिक एसेंस पे नहीं आते। इंग्लिश फिलोसोफर ह्यूम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिलीव्स ऑफ प्रोटेगोरस। रसेल थिंक्स दैट दिस थ्योरी कुड नॉट फ्लोरिश ऑन अ हायर लेवल बिकॉज स्केप्टिसिज्म एंड डिसबिलीव लीड्स टू कंजर्वेटिज्म एंड कंजर्वेटिज्म इनवाइट्स वायलेंस। वो कहते हैं ये जो बिलीव होते हैं ना फ्लोरिश ऑन हायर लेवल, ये ज्यादा हाई लेवल पे फ्लोरिश नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि ये जो स्केप्टिसिज्म होती है और ये जो डिसबिलीव की जो दुनिया होती है ये लीड करती है कंजर्वेटिज्म को और कंजर्वेटिज्म इनवाइट करती है वायलेंस को। देखें किस तरीके से। अब मैं जरा आपको बताती हूँ हम कैसे कंजर्व हो जाते हैं। लाइक कुरान मजीद में है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। क्योंकि हमने अपना रिलीजन छोड़ दिया, हमने उस कुरान को खोलना बंद कर दिया, उसको समझना बंद कर दिया, तो हमें पता ही नहीं अल्लाह की एक रस्सी है क्या। ठीक है, फिर हम किस में पड़ गए? हम फिरकों में बट गए। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स पे, और फिर हमने एक दूसरे की बात सुनना भी हम गवारा नहीं करते। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। व्हाई? द रीजन इज दैट कि हम इबादत करते हैं ट्रेडिशन के तौर पे। क्योंकि मैं देवबंदी हूँ मैं यूं करूंगी, क्योंकि मैं बरेलवी हूँ हम यूं करेंगे। एक तो हमारी बरेलवी देवबंदी नहीं खत्म होती, शिया सुन्नी बंद नहीं होता। इज दैट नॉट द कंजर्वेटिज्म? अब समझ आई कि इंसान जब डिसबिलीव की दुनिया में जाता है तो कैसे कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव इंसान कुरान को फॉलो करने से बेटे कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कंजर्वेटिव उस वक्त होता है जब हम फिरकों में बढ़ते हैं। और फिरकों में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम लॉजिक और रीजन की दुनिया में चले जाते हैं और हम ट्रेडिशन के तौर पे इबादत को ले लेते हैं। समझ आई ना? कभी भी आप पक्के नमाजी होने से कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होंगे, कभी भी आप गुड मुस्लिम बनने से, प्रोडक्टिव मुस्लिम बनने से कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होंगे। आप कुरान खोल के तो देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं पुराने मजीद में कि कुलुल नासी हुस्ना, लोगों से बात हुसन तरीके से करो, आसन तरीके से करो। जब मेरे अल्लाह ने मुझे कह दिया कि मैंने बहुत प्यारे तरीके से बात करनी है, क्या मैं कंजर्वेटिव हो सकती हूँ? अगर मैं एक अल्लाह को मानने वाली हूँ तो क्या मैं कंजर्वेटिव हो सकती हूँ? क्या मैं बुरा बोलूंगी? कभी भी नहीं। क्योंकि हम एक किताब को फॉलो नहीं करते ना, इसलिए हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, जी आप तो देवबंदी हो गए, आप तो बरेलवी हो गए, तुम तो फला पता नहीं क्या हो गए। मुझे बताएं कुरान मजीद में कहाँ लिखे हैं, मुझे फिरके तो जरा दिखाएं, पढ़ाएं तो सही ना। मुझे बताएं कौन से इमाम ने कहा था कि तुमने मेरे नाम पे फिरका बना लेना? बताएं, कभी भी इमामों ने नहीं कहा था। ये तो उनके फॉलोअर्स ने फिरके बनाए। इमाम इतनी बड़ी काम कर गए, चारों इमाम आए, इतना बड़ा काम कर गए, अहदीस की किताबें लिख के चले गए। वो अहदीस जो कहीं गुम हो गई थी, जो इंसान के जहनो गुमान में नहीं थी, उन्होंने वो पुरानी अहदीस निकाली, उनको कोट किया, और हमें हम किताबें उनकी हमने साइड में रखी हुई हैं और हम ने उनके नामों पे फिरके बना लिए। क्या वो ये इस वजह से किताबें लिख के गए थे? आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये किसकी किताब है, कौन से इमाम की किताब है। हाँ, फिरकों का सारों को पता है कि किस फिरके में क्या होता है, किस फिरके में। मुझे बताएं कौन से इमाम ने फिरके पढ़ाए? पुराने मजीद में कहाँ लिखा है? सहाबा किराम ने कौन से फिरके को प्रमोट किया? कभी भी फिरकों की बात नहीं आएगी अगर आप एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान पे आ जाए, यकीन करें। फिर आप गाना तो भी नहीं,
की बात सुनेंगे, ठीक है? एंड कंजर्वेटिव इनवाइट्स वाइल्ड प्रिंसिपल एज द कोर। और ये जो कंजर्वेटिज्म होती है बेटा, ये वायलेंस को प्रमोट करती है। अब आप मुझे बताएं, ये जो फ्रीडम के नाम पे हम कहते हैं जी जो जो कर रहा है उसको करने दो, तो क्या वायलेंस पैदा नहीं हो रही? जो जो कर रहा है, अगर हम लॉज एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे अपने सोसाइटी के अंदर, हम अपने बच्चे को नहीं बताएंगे बेटा दैट इज द रॉन्ग थिंग, डोंट डू दैट, वो कभी भी नहीं रुकेगा। आपका बच्चा नहीं रुक सकता। आप सोसाइटी की बात करते हैं कि विदाउट लॉज एंड ऑर्डर उनको फ्रीडम दे दी जाए, तो दैट इज द थिंग। ये होती है स्केप्टिसिज्म, ठीक है? और क्यों होती है, इसकी रूट क्या है? इसकी रूट यही है कि हम ट्रेडिशन के तौर पे तो इबादत करते हैं, ट्रेडिशन के तौर पे तो रोजे रखते हैं, लेकिन उसका एसेंस क्या है हम वहां तक नहीं पहुंचते, ठीक है? तो हम हर चीज लॉजिक रीजन साइंटिफिक रिसर्चेस में रहने, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत नॉलेज है, मुझे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। जब हर तरह का नॉलेज होगा तभी तो आप एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे ना। हम लोगों पे हर तरह का नॉलेज फर्ज है भाई, मुसलमान पे सब नॉलेज फर्ज है, ठीक है? तो हमें ही कहा गया है ना कि लहज से मैं तक इल्म हासिल करो, तो बेहतरीन इंसान, हमें तो अहदीस में कहा गया, तो मेरे से बेहतरीन इंसान वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। कहीं नहीं कहा कि तुमने दुनिया के इल्म को प्रमोट नहीं करना और तुमने खाली दीन के इल्म को प्रमोट करना, या तुमने खाली आलिम बनना और तुमने दुनिया के इल्म को प्रमोट नहीं करना। ये जो दो कैटेगरीज बन गई है ना, ओनली वर्ल्डली नॉलेज एंड ओनली मतलब रिलीजियस नॉलेज, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग बेटा। ये दोनों इल्म हमारे ऊपर फर्ज है, चाहे वो कुरान का इल्म है, चाहे वो रिलीजन का है, चाहे वो वर्ल्ड का है, चाहे वो लैंग्वेजेस का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा था ताकि वो वहां से लैंग्वेज सीखे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक जो रिलीजन को फॉलो करने वाला है, मुसलमान इंसान है, कुरान को फॉलो करने वाला है, वो स्केप्टिक कैसे हो सकता है? ये है, दैट इज द थिंग। और ये कंक्लूजन मैं अब आपके सामने तब तक नहीं कर सकती थी जब तक कि बेटा एक वास्ट नॉलेज मेरे पास ना होता। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं जितना शुक्र अदा करूंगा मैं कि अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, ठीक है? सो हर तरह का इल्म सीखे, हर तरह का इल्म सीखे, लेकिन इल्म वो होना चाहिए जो आपको अल्लाह की हिकमतें पहचानने पे मजबूर कर दे। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत हो जाए। द सेकेंड ग्रुप कंस्टिट्यूट्स द एरा ऑफ एम्पायरिकिज्म। दूसरा जो ग्रुप है जो इसके बारे में, वो फिलोसफी के बारे में बात करता है, वो कहते हैं ये एरा ऑफ एम्पायरिकिज्म। एम्पायर किसे कहते हैं? एक इंसान का लोहा मनवा लेना, एक जो नेशन होती है अपना लोहा मनवाती है। द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस वॉज द प्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप। ही वॉज द फर्स्ट हू लेड कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिज्म। ये था भाई जिसने एटमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। रसल कंसिडर हिम अ मटेरियलिस्ट एंड अ थिंकर and believer in evolution. Plato, an idealist philosopher, hated Democritus, Democritus and wanted to burn his works. He desired fulfill when Epicurus, the opponent philosopher, Democritus altered Democritus' works to extend to vulgarization, and Lucretius, an other opponent of Democritus, put Epicurus' doctrines into words, and now we do not have any original work him except some of his work preserved by Aristotle. अच्छा हुआ क्या कि Democritus जो था वो representative था empiricism का, और Russell ने कहा शायद ये materialist है, एक thinker है और एक believer in evolution का। Plato जो कि idealist philosopher था, प्लाटो ने बहुत सारे पोइट्स को अपनी यूटोपियन वर्ल्ड से फायर कर दिया था, यानी कि निकाल दिया था। वो हेट करता था डेमोक्रेटस से और वो कहता था कि इसके तमाम कामों को जला देना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसने एटमिज्म को प्रमोट किया जिससे दुनिया बिखर के रह जाएगी। अब उसकी डिजायर क्या थी? हिज डिजायर फुलफिल व्हेन एपिक्यूरस द ओपोनेंट फिलोसोफर ऑफ डेमोक्रेटस। एपिक्यूरस जो है वो एक ओपोनेंट फिलोसोफर था डेमोक्रेटस का,
ठीक है, हम कहते हैं ना वो चौसर के जब आपने पढ़े होंगे उसमें एक एपिकरस नेचर आई थी समनर की, के समनर जो है वो बड़ा एपिकरस था। ये एपिक्यूरस था जिसने ये जो हमारी अंदर प्लेजर है ना, हमारी प्लेजरेबल के सीक ऑफ प्लेजर, ये इसी एपिक्यूरियस ने ही ईजाद किया था कि इंसान जो है ना वो हर वक्त जो है प्लेजर की तलाश में रहता है, वो चाहे किसी भी तरह से उसको मिले लेकिन वो मिलना चाहिए। तो ये था वो एपिक्यूरस जिसने वो फिलोसफी ईजाद की थी, वो थ्योरी ईजाद की थी। तो उस वो उसकी जो डिजायर थी वो एपिक्योर्स जो उसका अपोनेंट फिलोसोफर था डेमोक्रेटस का, उसने उसके साथ इसको ऑल्टर कर दिया डेमोक्रेटस वर्क को टू एक्सटर्न और वल्गराइजेशन, कि उसने एपिक्योरस के साथ उसको वो कर दिया, मतलब ऑल्टर कर दिया। एंड लुक्रेशियस अनदर अपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटस पुट एपिक्योर्स डॉक्ट्रिन इनटू वर्ड्स, और एक और जो आया लुक्रेशियस एक और फिलोसोफर, उसने जो है डेमोक्रेटस वो भी डेमोक्रेटस का ओपोनेंट था, उसने एपिक्यूरस की डॉक्ट्राइन को वर्ड्स में तब्दील कर दिया। एंड नाउ वुड नॉट हैव एनी ओरिजिनल वर्क ऑफ हिम एक्सेप्ट सम ऑफ हिज वर्क प्रिजर्व्ड बाय अरिस्टोटल। डेमोक्रेटस बिलीव्ड इन एक्सपीरियंस, इनिशियली ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ प्रोटागोरास हु वॉज स्केप्टिक टू मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन बॉडी, ठीक है, जो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जो मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स थी वो उसमें बिलीव करता था, वो स्केप्टिक था सॉरी मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ही बिलीव इन पॉवर्टी अंडर डेमोक्रेसी इज बेटर देन प्रोस्पेरिटी अंडर डेस्पोटिज्म, वो ये बिलीव करता था कि पॉवर्टी जो है डेमोक्रेसी के अंदर वो ज्यादा बेहतर है रादर देन के आप प्रोस्पेरिटी करें अंडर डेस्पोटिज्म के, जस्ट लाइक फ्रीडम इज बेटर देन स्लेवरी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेटस फिलोसफी वॉज रिनोड एम्पायरिकल फिलोसफी John Legge's motto was test and believe. उसका मोटो जो था वो टेस्ट और बिलीव था। He also believes in liberal and democratic outlook. Take what is right and leave what is wrong. उसने वो हर वो चीज ले ली जो सही थी और वो हर चीज छोड़ दी जो कि wrong थी। The third and the last but the most influential group constitute era of idealism. The famous Greek philosopher Plato is considered to be the founder of this creed. Idealism, ek ideal world. He believed in oneness and his approach was anti-matter. Rather, he was materially skeptical. Humne Jonathan Swift ka padha tha na mock utopia. Ek ideal world ka usne mock yani ki uska opposite banaya tha. Wo that is the ideal world. Usne us ideal world mein ko usne ek to उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स डाले थे कि अगर ये चीजें होंगी तो हम जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। तो कुछ मोरालिटी बेस्ड चीजें थी जो उसने उसके अंदर ऐड कर दी थी कि ये लोग होने चाहिए इस एक आइडियल वर्ल्ड में। और लॉयर्स को उसने निकाल दिया था, साइंटिस्ट को निकाल दिया, सॉरी पोइट्स को निकाल दिया था उसने उसमें से। तो उसने कहा था कि उसकी अप्रोच क्या थी, एंटी मैटर, कि इंसान तो मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रादर ही वॉज मटीरियली स्केप्टिकल। Thus he believes ideas everything and the real world is a world of idea. तो उसने कहा कि आइडिया जो है वो हर चीज होती है और real world जो है world of idea होती है, यानी कि जो हमारी real world होती है वो हमारी जो हमारी सोच की world होती है वो होती है, और बाद में हम उन ideas को actions में तब्दील करते हैं, यानी कि सोच हमारे अमल बनते हैं। तो actually जो सोच होती है वो एक ideal world होती है। In his famous work The Republic, Plato intensely favored oligarchy, oneness of power. He was extremely against the views of Protagoras and Democritus on the basis of their skepticism. Plato views have been praised in the Greece as well as in the recent time, but to Russell they are the most amazing pieces of snobbery copying. Plato's follower in the modern world was the German philosopher Hegel, who gave the concept of obsolete idea. और उसके फॉलोअर में एक ग्रीक जर्मन फिलोसोफर था हेगल, जो उसने ऑब्सोलीट आइडिया का कॉन्सेप्ट दिया था विच अटेन वाइड स्प्रेड अप्रूव बट टू रसल इट्स प्रोफंडिटी इज इन रियलिटी ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, उसकी जो प्रोफंडिटी है उसकी रियल ऑब्सक्योरिटी है, इज इन रियलिटी नहीं, इज इन रियल ऑब्सक्योरिटी।
ठीक है, उसकी प्रोफंडिटी जो है उस आइडिया की उसकी रियल ऑब्स्क्योरिटी में. अकॉर्डिंग टू हेजल गॉड इज आर थिंकिंग. मैम ये प्रोफाउंडिटी क्या होता है? प्रोफाउंडिटी यानी कि उसकी ओरिजिनलिटी जो है, उसकी प्रोफाउंडिटी जो है, उसका असल मजा जो है उसकी रियल ऑब्स्क्योरिटी में. ठीक है, मैम ऑब्स्क्योरिटी क्या होता है? ऑब्स्क्योर इसका जरा उर्दू में देखें, इसका मुझे इसका उर्दू में मीनिंग नहीं आता क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं गैर वजाहत को, जो चीज गैर वाजे हो. गैर वाजे क्या होती है? गैर वाजे हमेशा आइडिया होता है और दैट इज द ऑब्सोलीट आइडिया. ठीक है, वो हमेशा गैर वाजे होता है. आप अपने आइडिया को अल्फाज में जरा तब्दील तो करें, नहीं हो सकता ना. आप बताना चाह रहे होते बाजू का सही बता भी नहीं पाते. अकॉर्डिंग टू हेजल तो वो कहते हैं ये जो प्रोफंडिटी है, ये उसकी खूबसूरती जो है वो उसकी इसी रियल ऑब्सक्योरिटी में है, उसकी गैर वजाहत. ऑब्सक्योर कर देना बेटा किसी चीज को, धुंधला कर देना. ठीक है, ऑब्सक्योर कर देना. अभी आजकल एप्स आई हुई हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की ना, उसमें अगर किसी चीज को धुंधला करना होता ना तो हम उसकी ऑब्सक्योरिटी बढ़ा देते हैं. अकॉर्डिंग टू हेजल गॉड इज अ थिंकिंग. और उस ऑब्सक्योरिटी से क्या होता है, वो जो रियल चीज होती है ना बैकग्राउंड, अगर आप ऑब्सक्योर कर दें तो वो जो अगली फ्रंट चीज होती है वो एनहांस हो जाती है. अकॉर्डिंग टू हेजल गॉड इज अ थिंकिंग थॉट एंड दैट नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग कैन रीच द थॉट. वो कहते हैं कि गॉड जो है वो एक थिंकिंग थॉट है और कोई आम इंसान जो है वो उस थॉट तक नहीं पहुंच सकता. हेजल टॉक अबाउट रियल रियलिटी, वो रियल रियलिटी की बात करते हैं. आप देखें ना इन फिलोसोफर्स ने गॉड के ऊपर भी बातें करना शुरू कर दी, तो बात सारी फिर वही होती है कि उसको वो क्या कह रहे हैं कि जी ये थिंकिंग थॉट है, कि आपके जहन में है. आप जब इंसान जब पैदा होता है तो वो एक गॉड का कॉन्सेप्ट लेके पैदा होता है. और हेजल टॉक अबाउट रियल रियलिटी एंड अपेरेंट रियलिटी ह्यूमन बींग. और हेजल जो है वो रियल रियलिटी के बारे में बात करता है और एंड अपेरेंट रियलिटी, और जो कि एक तो रियल रियलिटी है जो उसकी इनर रियलिटी है और एक अपेरेंट, दोनों के बारे में बात करता है. He thought that the apparent reality should have strived hard to reach the real reality. वो कहता है कि apparent reality को ज़्यादा strive hard करना पड़ता है to real reality. देखें बेटा apparent reality से ही इंसान real reality की तरफ पहुँचता है through the process of thesis, antithesis and synthesis. किसके ज़रिए? पहले हम एक thesis लेते हैं, यानी कि एक हम कोई भी आप कोई thesis पढ़ते हैं. आप लोगों को बताया था प्रोज पढ़ाते हुए कि किस तरीके से एक ऐसे लिखा जाता है. पहले उसका थीसिस होता है, देन उसका एंटीथीसिस हम लिखते हैं, यानी कि उसका ऑपोजिट व्यू पॉइंट लिखा जाता है, एंड फाइनली फिर हम उसका सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, कंक्लूड करते हैं उसको. बट रसल बिलीव दैट द व्यू ऑफ बोथ प्लाटो एंड हेजल लीड टू एब्सोल्यूट मोनार्की, डिक्टेटरशिप. लेकिन रसल ये बिलीव करता है कि जो व्यू है प्लाटो का और हेजल का, ये एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि डिक्टेटरशिप की तरफ इंसान को लेके जाता है. इन रसल्स ओपिनियन इंग्लैंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन विजडम फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स फिलोसफी. ही स्टेट्स दो इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड सम एक्सीलेंट फिलोसफर्स लाइक जे एस मिल, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, येट कलेक्टिवली इंग्लिश हैव डिसलाइक एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर आइडियल फिलोसफी. In England, liberal philosopher flourished in the conservative environment and vice versa. Whereas in continental European countries, Germany and Italy, philosophy and politics have been very closely connected to each other and that brought their destruction too. Russell believed the chief purpose of Hegel, epistemology, philosophical idea of absoluteness, was to raise the state to the position of Godhood. रसल का एक आइडिया है, वो ये कहता है कि मतलब ये चीफ पर्पस जो है ना हेजल का, हेजल एपिस्टेमोलॉजी यानी कि उसके फिलोसॉफिकल आइडिया का क्या है, ऑफ एब्सोल्यूटनेस वाज टू रेज द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ गॉडहुड. क्या आप स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ गॉडहुड को रेज करते हैं? ही पुट फॉरवर्ड द नोशन दैट जर्मन वर द चोजन पीपल ऑफ गॉड. और वो ये नोशन भी फॉरवर्ड करता है कि ये जो जर्मन है ये चोजन पीपल ऑफ गॉड है, विच वाज एनफ टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ एस्टीम ऑफ द पीपल एंड टू क्रिएट सेल्फ लव इन देम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोशन देयर वाज अ ह्यूज ब्लडशेड इन जर्मनी. और इस नोशन की बेस पे एक ह्यूज ब्लडशेड है जर्मनी में, एंड द सेम इम्पल्स आल्सो टेम्प्टेड देम टू फाइट अ वर्ल्ड वॉर.
यू कैन किल हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन दिस बेसिस ऑफ एन आइडिया. आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल को किल कर सकते हैं बेसिस ऑफ इस आइडिया के ऊपर. देखें जर्मन्स पहले, ये तो रसल ने वर्ल्ड वॉर टू से पहले की बुक लिखी ना, उस वक्त जर्मन्स कहते थे कि हम कोई गॉड चोजन पीपल हैं, इसलिए शायद हमें इख्तियार है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब वही क्लेम जो है अमेरिका, तो वो कहता है कि अगर आप इसी क्लेम के साथ आए तो आप यू कैन किल हंड्रेड ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया. अगर आपको ये पता चल जाए कि जी मैं गॉड चोजन हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, लाइक फिरौन जो था वो कहता था मैं क्योंकि मैं गॉड हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दैट इज द थिंग. Russell feels that Plato predicted the same idea several hundred years ago in his Utopian Republic and made a totalitarian state, and its sole function was to create love of war among people. Russell ji feel karta hai ki Plato ne yahi same idea usko pehle predict kar diya tha about 700 years ago in Utopian. Usne kaha tha and made a totalitarian वो ये कहता था कि एक टोटलिटेरियन स्टेट होनी चाहिए और उसका सोल फंक्शन क्या है कि मतलब वो कहता था कि वो इसी आइडिया को उसने प्रोडिक्ट किया था और उसने कहा था कि ये एक टोटलिटेरियन स्टेट जो है उसको प्रमोट करता है कि एक ही स्टेट हो, वही टोटल स्टेट हो और उसी का राज होना चाहिए. और वो कहता है कि इसका सोल फंक्शन क्या है, वॉज टू क्रिएट लव ऑफ वॉर अमोंग द पीपल. और इस टोटलिटेरियन लाइक जैसे हेजल ने कहा था कि वी आर द चोजन पीपल, तो प्लाटो ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ये इस तरह की टोटलिटेरियन स्टेट जो है, एम्पायरिकिज्म जो है, उसका काम सिर्फ ये है कि क्रिएट लव ऑफ वॉर अमंग द पीपल. लव ऑफ वॉर अमंग द पीपल वो क्रिएट कर देता है. अभी आप देखें अमेरिका के अंदर यही लव ऑफ वॉर है अमंग द पीपल. नंबर दो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है. ठीक है कि जी हम टोटल स्टेट हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैं किसी भी स्टेट को बुरा नहीं कहती. ठीक है, मैं आई हैव जस्ट अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम हेट्रेड फैलाते हैं ना, वो पलट के हमारी तरफ आता है. इंडिया जितना हेट्रेड फैला रहा है ना, वो पलट के फाइनली क्या है कि उनके अपने अंदर इतना पाकिस्तान के अंदर इंतशार नहीं है. आप यकीन करें, अभी मैं उमरा करने गई ना, तो वहाँ पे मुझे एक इंडियन मिली और उसने मुझसे पूछा कुछ, पता नहीं, मैं रोज़ा रसूल के सामने खड़ी थी और उसने पता नहीं मुझसे क्या पूछा. मैंने उसको सारा रास्ता बताया आराम से. उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने उसको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ. कहती पाकिस्तानी तो बड़े लविंग होते हैं. ठीक है, तो इवन इंडियंस यहाँ तक कहते हैं, कभी इंडियन कोई वैसे भी इंडियन मिलता है, ऑनलाइन भी मुझे मिलता है, वो कहता है आप लोग बड़े, कहते हैं कि आप लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमारे मुल्क में ये चीज नहीं. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो है ज्यादातर, अगर आप वहां का मीडिया भी देख लें या वहां के लोग देखें, वो इस हद तक एक अंदर से फ्रस्ट्रेटेड नेशन है. उनके अंदर ये लव ऑफ वॉर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सारा बनाया गया है कि उनको सिवाय वॉर के और कुछ नजर आता ही नहीं. ठीक है, और वो फिर इस तरह की स्टेट्स क्या होती हैं, वो ये सोचती हैं कि भाई हम जो करें बिल्कुल ठीक करें. उससे हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल होते हैं. वो सिर्फ खाली कश्मीरीज को नहीं किल करते, वो अपने बंदे भी किल कर रहे हैं. ठीक है, हम कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, That is okay. लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो अपनी अपनी स्टेट का कर रहे. क्यों? क्योंकि वो हेट्रेड प्रमोट कर रहे. तो जब भी आप हेट्रेड प्रमोट करेंगे, आपकी अपनी तरफ पलट के आएगा. अगर आप पीस प्रमोट करेंगे, आपकी अपनी तरफ आएगा. दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी बेस्ड काम पाकिस्तान में होते हैं. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा उलमा जो है पाकिस्तान से जाते दीन फैलाने के लिए. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेशन. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. ठीक है, यहाँ की पॉलिसीज बहुत से कंट्रीज से बहुत बेहतर है. तो वेयर, अब ये वो उसने बात की थी कि अगर ये टोटलिटेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने एम्फेसाइज कर दिया तो फाइनली ब्लडशेड होंगे. Where state controls the control the affair of public as well as private of the people. जहाँ पे state control करती है affairs of public,
for private people. For Russel state that in modern time, Hegel and Marx appear to be the perfect student of Plato. For in both German and Russia, state governs the light of the people. It is also evident through the historical events that the creed of idealists failed badly. In Greece, again, in the fall of Sparta and Europe, they tried to gain uninterrupted progress, for there can be no compromise on ideals. Ideals are always fixed. Ideals are always fixed. ठीक है वो uninterrupted progress जो है वो बनाना चाहते हैं वो अपने ही view point पे fix रहते हैं. Whereas Russell described the idealism is against the principle of universe, for everything is changing. वो कहते हैं ये जो idealism है ना ये against the principle of universe है, for everything is changing since the time of formation of this universe. आपको पता है हमारी जिंदगी में हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, ठीक है? हम हमेशा आइडियल वर्ल्ड पता है किसे कहते हैं? ऐसा होना चाहिए, यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस सब को कहते हैं हम आइडियल. ये ऐसे क्यों है? ठीक है, ऐसा हो जाता, ऐसा होना चाहिए, ये जो चाहिए है ना ये है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड. और हम जब तक इससे नहीं निकलेंगे ना हम खुश नहीं रह सकते. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. हर वक्त लॉजिक एंड रीजन, हर वक्त लॉजिक एंड रीजन, इस वजह से हम खुश नहीं रहते. जैसी जिंदगी है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, आप खुश रहेंगे. ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो डायनेमिक, ऑलवेज इन मोशन, इट रिक्वायर्स चेंज फॉर इट्स सर्वाइवल. रसल कोट्स हॉब्स हियर, फेलिसिटी कंसिस्ट इन प्रॉस्परिंग नॉट इन हैविंग प्रॉस्पर्ड. वो कहता है ये जो आपकी फेलिसिटी है वो प्रोस्पेरिंग के आप कंटिन्यूसली प्रोस्पर कर रहे हैं, प्रोस्पेरिंग यानी कि कंटिन्यूसली आप तरक्की कर रहे हैं. प्रोस्पर